मैं हूं आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं न्यूज। और न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं हैशटैग बॉलीवुड। और हैशटैग बॉलीवुड में हम बात करेंगे बॉलीवुड की टॉप एंटरटेनमेंट गॉसिप के बारे में। तो क्या खास है आज हमारे इस प्रोग्राम में, सबसे पहले बात करेंगे आलिया भट्ट के बारे में, क्योंकि आलिया भट्ट हो गई थी कपिल शर्मा के शो पर नाराज। उसके बाद दिखाएंगे आपको कलंक फिल्म की स्क्रीनिंग, और इसके बाद आप सभी को बताएंगे कि आखिरकार शाहरुख खान पर किसने साधा निशाना, और साथ ही साथ बताएंगे भारत फिल्म की कुछ अपडेट। उसके लिए आपको नजर डालना पड़ेगा हमारे इस खास रिपोर्ट पर। आलिया भट्ट और वरुण धवन स्टारर मूवी कलंक की टीम अभी कुछ दिन पहले कपिल शर्मा के शो में प्रमोशन के लिए पहुंची थी। कॉमेडी शो में वरुण और आलिया के साथ आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा भी नजर आए। कलंक की स्टार कास्ट की मौजूदगी में कपिल के शो में ढेर सारी मस्ती हुई। हालांकि प्रमोशन के दौरान ऐसी खबरें आईं कि आलिया भट्ट को शो में कुछ ज्यादा खास मजा नहीं आया। उन्हें कीकू शारदा की जोक्स ने काफी अपसेट कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो शो में ज्यादातर जोक्स आलिया भट्ट के इर्द गिर्द घूम रहे थे। कीकू शारदा के घिसे पिटे जोक्स के पिटारे से आलिया काफी निराश हुई। जैसा कि कीकू ने सवाल किया, क्या महेश भट्ट कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं? जवाब में आलिया ने कहा नहीं। इस पर कीकू शारदा ने जवाब दिया, क्योंकि सड़क फुटपाथ सभी महेश भट्ट बनाते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आलिया को कीकू शारदा की ये मजाक बिल्कुल भी नहीं पसंद आए। मैडम जी इधर देखिए। थैंक यू, थैंक यू, बाय गाइस। सर सर इधर थोड़ा आपके राइट में सर इधर, हाँ ये सर इधर लुक दीजिए। थैंक यू सर। अरे सर थोड़ा आगे, एक ढाब कवर हो रहा है, आगे 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 थोड़ा सा कवर हो रहा है सर। नीचे ले, नीचे ले। अरे अरे सर सर रुको रुको, कर सर रुको सर सर, अरे पीछे नीचे नीचे कर। इधर से चालू कीजिए, थोड़ा बाहर आए ना सर, कवर हो रहा है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान पर किसी ने सवाल उठाया। जी हाँ, और आखिरकार किसने सवाल उठाया है? आपको बता दें कि केआरके ने उन पर ट्वीट किया है। दरअसल केआरके ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एसआरके पिछले 5 सालों से क्यों बड़ी हिट फिल्म नहीं दे पा रहे हैं। वो एक सुपरस्टार हैं, अच्छे एक्टर हैं और एक बिजनेसमैन भी है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि एक अच्छी फिल्म बनाने के बारे में वो सब कुछ जानते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। केआरके ने पॉइंट्स बनाकर इसे लोगों को समझाने की कोशिश की। हालांकि अभी तक शाहरुख खान ने केआरके के ट्वीट पर अपना रिएक्शन नहीं दिया है। अभी आपको पता चलेगा, अभी भारत जो है उसमें आई एम प्लेइंग ए वेरी अनयूजुअल रोल, फिर मेंटल है क्या, हमें आपको देखने मिलेगा जो इस वक्त रिलीज हुई, एंड लॉट ऑफ अदर फिल्म्स, मतलब हैंड्स आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग, डायरेक्टिंग, एक्टिंग, रेडियो शो, थिएटर, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। सो दिस बर्थडे एक्चुअली इज गोइंग टू ब्रिंग मोर हैप्पीनेस। आई वांट टू कीप ऑन वर्किंग। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम हैशटैग बॉलीवुड, जहां हमने आप सभी को अपडेट करवाया, रूबरू करवाया बॉलीवुड की टॉप एंटरटेनमेंट गॉसिप से। आप क्या नया जानना चाहते हैं, समथिंग डिफरेंट, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, कमेंट कर बताएं। और इस प्रोग्राम में मैं अलका आप सभी के लिए वो शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए मैं आप सभी से लेती हूँ अलविदा, कल फिर आऊंगी ऐसा ही खास शो लेकर। टिल देन बाय। और हाँ, एट द एंड हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।